अपने घर के लिए किचन के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप किचन बनाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप डिजाइन किचन बनाना सीख रहे हो, इनमें से किसी एक का समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है गुरु। ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, ये दावा है मेरी। ये वीडियो आप पूरा देखना, आपको पूरा ए टू जेड समझ में आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे पीछे मैंने जो मार्बल का बनाया वो मैंने किस प्रकार से बनाया, तो ये वीडियो मैं दोस्तों पिछला वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल से। आप पिछला वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल में स्क्रॉल नीचे कीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाए कि मार्बल का हम कच्चा किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में हम कच्चा करने की जानकारी नहीं दे रहे, लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं मैं थोड़ा बहुत इसमें जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको फर्श से 1.5 इंच ऊपर उठा लेना है, और नीचे में जो एक बार जितना आप जितना बड़ा किचन बनाना चाहते हैं वहां तक आप 24 इंटू आप जितना लंबाई है किचन में आप बना सकते हैं, 24 रहेगा नीचे वाला। उसके बाद जो आप घोड़ी स्टैंड देख रहे हैं वो आपको काटना है 24.5 इंटू 28 का, और ऊपर में आपको जो देख रहे हैं ऊपर वाला जो भाग है वहाँ पे आपको 20 इंच का एक बार पूरा घुमा लेना, जो बाकी आपको 4 इंच का वहाँ पे जगह बचेगा उसमें 7 इंच का ग्रेनाइट का पट्टा आएगा। फिर उसी पट्टे में आपको डिज़ाइन जैसी बनानी हो उसमें आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगी। ये छोटी सी जानकारी मैंने दे दी, लेकिन ये इस वीडियो का नहीं है। अगर आप कच्चा करना जानना चाहते हैं किस प्रकार से कैसे खड़ा करते हैं कितना मापेंगे, वो आप हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे किस आधे किचन के बाद हम मॉड्यूलर किचन कैसे बना सकते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। ये 7 इंच का जो आपको पहले बोला था वो हमने यहाँ पे दोनों तरफ चिपका के कम। अब इस पट्टी में हम 2-3 जगह डिजाइन डाल सकते हैं, इसी पट्टी में आपको भी डालना है। आपको तरीका मैंने बता दिया कि आपको कटिंग करना 1.25 इंच, ये आपको जो ये दिख रहा है बीच बीच में ये आपको लेना है 1 इंच, ये भी 1 इंच, ये जो आपका आता है 200। Mm.
तो ये हमारा किचन बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते थे पहले मैंने किस तरीके से बनाया था, अभी मैंने लास्ट में इसको कैसे बना दिया। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भी अपने मकान में करवाना चाहते हैं उसको भी ये वीडियो सेंड करें, ताकि वो कुछ आइडिया ले सके इस किचन से कि अपने घर में ऐसा किचन आप उसको बनवा सकते हैं। अगर हमसे ही बनवाना है तो हमारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में फ़ोन करें और पता लगाएं कैसा काम होता है और कहाँ से है। अगर आप, मैं तो प्रॉपर राजस्थान से हूँ, अगर आप राजस्थान से बाहर हैं तो कृपया करके फ़ोन करने से पहले अगर आपको हमसे काम करवाना है तो इस बात का ख्याल रखें। अगर आप, मैं तो राजस्थान से हूँ और राजस्थान में ही प्रॉपर मेरा यहाँ पे सर्विस है। अगर आपको दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र कहीं पे आपको अगर काम करवाना है तो फ़ोन लगाने से पहले एक बार सोच लें कि हमारा पूरा आपको इंतजाम वहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे को स्टाफ को वहाँ पे रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा और भी ब्लेड वगैरह जो भी है सब की इंतजाम करानी पड़ेगी, और पेमेंट आपको भाई हाथों हाथ मिलना चाहिए तो ही फ़ोन करें, अन्यथा फ़ोन ना करें। और इन साल हमारा 2024 और 2025 तक ही हमारा सर्विस है, उसके बाद हम अपना सर्विस हर जगह से बंद कर रहे हैं। तो आप इससे पहले हो, आप हमसे डिज़ाइन का काम करवा सकते हैं, वो भी बेहतरीन, जो कि लाइफ टाइम हम 100 साल की गारंटी देते हैं ऐसा काम करते हैं। तो जिसको काम कराना है वही फ़ोन करना। आप हमारा फ़ोन नंबर ये देख सकते हो। अगर आप हमसे कुछ मैसेज करना चाहते हो हमारे इंस्टाग्राम पे जाएं और हमें वहाँ पे भी मैसेज करें, हम वहाँ भी रिप्लाई तुरंत करते हैं और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे ही कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो को एक बार शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपको इस किचन का रेट जाननी हो तो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। इस अगर प्रोफेशनल किचन डिज़ाइन आपको बनवाना है तो किचन को आपको पड़ जाएगा 1500 रुपये फिट का लाइन माप होगा। ऐसे आपको अगर 20 फीट किचन बनाना है तो आपको 20 × 1500 कर देना, 10 फीट कराना है तो 15000 लगेगा। ऐसे भी नॉर्मल है, आप समझ सकते हो। 1500 रुपये फीट के आप लाइन माप होगा, ऐसे स्क्वायर में नहीं होगा ये। थैंक यू।